सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। कर्नल जी, यहाँ से सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि जो अमेरिकी सोयाबीन वायदा है $1740 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और घरेलू सोयाबीन जो है वो 6,000 से 7,000 के दायरे में है। तो इन सब के मद्देनज़र और जो कच्चा तेल है उसकी बढ़त को देखते हुए आपको क्या लगता है, ये विदेशों में आई तेजी जो सोयाबीन में आई है उसका असर घरेलू बाजार पर कितना देखने को मिलेगा? क्या घरेलू बाजार की सोयाबीन में आगे तेजी आएगी या फिर मंदी? देखिए, आपको याद होगा कि जब सरकार ने सोयाबीन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल घटाई थी और 20 लाख टन सोयाबीन और सनफ्लावर और ये सब तेलों के आयात की बात की थी, तो आपके साथ ही आपने सवाल पूछा था, तब भी हमने ये कहा था देखिए कि भारत सरकार ने ड्यूटी घटाए या बढ़ाए उसका फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जब तक तेलों के भाव, खाद्य तेलों के भाव कंट्रोल में नहीं है, भारत के बढ़ाने घटाने से कोई फौरी तौर पर सबको फर्क पड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं होता। और ये दोबारा अभी आपको याद होगा जनवरी महीने में ऐसे ही कुछ हुआ था, उस वक्त भी हमने यही कहा था 1027 रिफाइंड सोया बिकने वाला 1700 तक बिका। तो यही हम कहना है कि भारत सरकार को यदि कुछ करना है तो उसको चाहिए तेलहन के प्रमोशन के लिए बड़ी रिसर्च उपलब्ध कराए, किसानों को या को अधिक फंड्स अवेलेबल कराए, उनकी एमएसपी के रेट बढ़ाए, और समय पर जब सोयाबीन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नीचे दाम पे हो तो उसका स्टॉक करे, क्योंकि देखिए जब और जो कि चाइना करता है, जब भी सोयाबीन के दाम नीचे होते हैं चाइना अपना स्टॉक बना लेता है और जैसे ही बाजार में दाम बढ़ते हैं वो रिलीज कर देता है। जी, जो एमएसपी से आप देखिए सरसों है, सोयाबीन है, इसको सरकार किसानों ने पिछले साल भी नहीं दिया था, और आपको याद होगा उस वक्त भी हमने यही कहा था कि जो सरकार के पास सोयाबीन और सरसों की खरीद के पैसे बचे हैं उसका उपयोग वो इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करने, समस्या कहाँ है जी, वो इंपोर्ट करके अपना एक बफर स्टॉक बना ले और जरूरत पड़ने पर उसको रिलीज कर दे। वो सारी ही चीज व्यापारी ही इंपोर्ट करके अपनी मनमर्जी से प्लस माइनस करे, ऐसा क्यों? सरकार भी तो करती है, सरकार भी कर सकती है। तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दाम गिरते हैं उन गिरे हुए दामों पर आप इंपोर्ट कर लीजिए, अपने पास रखिए, और जैसे ही बाजारों में तेज भाव बढ़े उसके अंदर आप अपना स्टॉक रिलीज कीजिए। यदि आप ये पद्धति अपनाएंगे तो किसी को परेशानी नहीं होगी, वो भाव कंट्रोल्ड में रहेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जब फसलें आती है उस वक्त सारी प्रतिबंध लग जाएंगे, और जब बाजार में बेताशा तेजी दर्ज हो जाएगी, पिछली बार 4400 रुपए का सोयाबीन बिक गया, उस वक्त तो सारी सरकार ने भी सारे प्रतिबंध सब कुछ, और वो नीचे के दाम में किसानों को ने कुछ माल बेच दिया। अब पॉइंट ये कि जब वो 8000 के ऊपर का बेचा उस वक्त सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाए, तो प्रतिबंध लगने हैं तो जब नीचे के माल पे माल बिक रहा है, किसान दे रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट में है, उस वक्त आपको अपनी एक एवरेज एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इससे नीचे जाएगा तो हम किसानों से माल एमएसपी से पे या उससे ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे, या फिर इंटरनेशनल मार्केट से माल खरीद के अपना एक बफर स्टॉक बनाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको रिलीज करेंगे, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। सरकार को नहीं बेचा किसानों ने, सोयाबीन नहीं बेचा किसानों ने, कॉटन भी बहुत कम बेची, तो जो फंड अवेलेबल है उस फंड का समुचित उपयोग होगा तो उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अब आप देखिए कि अभी बाजार में कमी है खाद्य तेलों में, लेकिन एमआरपी के अंदर उतनी कमी नहीं आई है। ये हमेशा मैंने मार्केट टाइम्स के यही कहा है कि उपभोक्ताओं को पैसा नहीं मिला, किसानों को पैसा नहीं मिला, बिचौलिया पैसा खा रहे हैं, लेकिन वो अपना पूरा नहाना उठा रहे हैं। जब सोयाबीन और सरसों के दाम नीचे थे, अब आप देखिए सरसों के भाव 8500 रुपए थे अभी फरवरी के अंदर, और अभी सरसों के भाव 6200-6300 भी आए, तो लेकिन वो 6200-6300 आए तो वो जब 2000 रुपए टूटे
जो 1800 रुपए टूटे तो उसके मुकाबले सरसों का तेल नहीं टूटा जो जो उपभोक्ताओं को आपको और मुझे मिलने वाला है, तो फिर फायदा किसको हो रहा है? तो ये जब तक इसके ऊपर एक कोई सशक्त नीति नहीं बनेगी कि एमएसपी और एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य नहीं होगा, उपभोक्ता को पूरा लाभ नहीं मिलेगा, महंगाई से छुटकारा नहीं मिलेगा, यही मेरा कहना है मार्केट टाइम्स के दर्शकों के दर्शक और आपके माध्यम से सरकार को और नीति निर्धारकों को। ये अखिलेश जी। जी कन्हर जी, सोयाबीन का बुआई का सीजन आ चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या इस बार सोयाबीन की ज्यादा बुआई रह सकती है? देखिए, जहां तक सोयाबीन की सोइंग की बात है, क्योंकि फसल का टाइम आ चुका है खरीफ का, तो सोयाबीन के अंदर मुझे लगता है कि किसानों को पैसा जरूर मिला है, इसमें कोई दोराय नहीं है। और उसके अंदर लेकिन जिन्होंने टाइम से मुनाफा लिया उन्होंने फायदा भी उठाया, जो जिन्होंने टाइम से मुनाफा नहीं लिया उनको परेशानियां भी दर्ज हुई। अब क्योंकि ये तेजी मंदी ये व्यापार की स्थिति रहेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि ये उतार और चढ़ाव दोनों ही बाजार की फितरत है और होगा। लेकिन ये है, मेरा किसानों को यही कहना है कि आप यदि मान लो आपके पास छोटे किसान है, 100-200 टन माल है, 100-200 क्विंटल माल है, तो उसको सबसे ऊंचे दामों पर आप इंतजार मत करिए। आप उसके लिए अपना माल 50% अपने अच्छे दाम मिल रहे हैं उसको ले लीजिए, 25% से और अच्छे दाम मिल रहे हैं फिर ले लीजिए, 20-25% माल छोड़ दीजिए आपको सर्वश्रेष्ठ दामों के लिए, तो आप हमेशा बेहतर रहेंगे। अन्यथा होगा ये कि आप उच्चतम दामों के फेर में आप रह जाएंगे और फिर बाजार के दाम घटते हैं, फिर और घटते हैं, फिर और घटते हैं, और फिर वो परेशानी होती है। ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे, रणनीति अपनाएंगे तो हमेशा बेहतर रहेगा। सोयाबीन की फसलों की बुआई में मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही। जी आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।